नमस्कार सर, पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज जिला यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा फिर से यात्रा पर निकले हैं और इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि जदयू को सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी बनाना है, ऐसा जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। साथ ही साथ कहा, शाहबाद इलाके में जदयू को मजबूत करने की पूरी तैयारी चल रही है। वहीं तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी देने के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि यह सब जानता है कि तेजस्वी यादव ही पार्टी को चला रहे हैं। चुनाव के वक्त में अपने माता पिता का तस्वीर गायब कर देते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जदयू को कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा कहना है कि तेजस्वी यादव ही पहले से पार्टी को चला रहे हैं और अब अगर उन्हें सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बागडोर जो है वो दे दी जाएगी तो इससे जदयू को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए आप। दूसरी यात्रा आपकी शुरू हो रही है? नहीं, दूसरी यात्रा नहीं है, चरण दूसरा है। जो जिस यात्रा की हमने शुरुआत की थी, बिहार के सभी जिलों में हमको जाना है, तो प्रथम चरण में कुछ जिलों से होकर हम आए, जिसमें चंपारण का जिला था, सीतामढ़ी, मधुबनी वगैरह। अब शाहबाद के इलाके में दूसरे चरण में हमारी यात्रा है। अभी से लेकर 25-26 को फिर हम लौटेंगे, तो उसमें शाहबाद के सभी जिलों में जाना है और बारी बारी से बिहार के 38 जिला में जाना है। तो अलग अलग चरण में पूरे बिहार की यात्रा करनी है। शाहबाद का इलाका है, जदयू के लिए इस बार बहुत कुछ भी सीट नहीं आया। अरे उस वक्त जो कुछ भी हुआ अब उसको भूल जाइए। अब आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड बहुत ही मजबूत है शाहबाद में। कोई दूसरी पार्टी शाहबाद में जेडीयू के टक्कर में अब नहीं है, आप लोग देखिएगा। देखिए, जातीय जनगणना जो पहले भी हुई है तो उसका प्रकाशन बहुत जरूरी है। और जो जनगणना सामान्य तौर पे हमेशा होती है उसमें भी एक कॉलम जात का होना चाहिए, ताकि पता चलते रहे कि कितनी संख्या किस जात की है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलग अलग न्यायालयों ने कहा है, जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का आधार होता है जनसंख्या, और जनसंख्या मालूम ही नहीं है। ओबीसी की कितनी संख्या है उसकी जानकारी नहीं है ठीक से, तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो योजनाएँ कैसे बनेगी। लेकिन बन जाती है, नतीजा है कि नुकसान ही नुकसान होता है ओबीसी के लोगों को, या दूसरे जो आरक्षण कैटेगरी के लोग हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए उसकी गणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। आरजेडी में भी तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी देने की बात आ रही है पार्टी में, तो उनकी पार्टी का मामला है, उसमें मेरा क्या है। उनकी पार्टी का मामला है, जिनको जिम्मेवारी दें वो तो उनका विषय। चुनौती बढ़ेगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं बढ़ेगी। आज भी राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से, उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं। क्या अंतर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ है। अब संसद में हंगामा हुआ तो उसको लेकर यहाँ क्या, संसद की बात संसद में। कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत नहीं बैठक है, क्या कुछ रहेगा? नहीं, 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसका एजेंडा अभी बहुत क्लियर नहीं है। जब एजेंडा क्लियर नहीं है तो किसी भी एजेंडा पर बात हो सकती है, और ऐसे एक तरह से रूटीन बैठक है, साल में एक बार बैठक करना ही है। पिछले साल दिसंबर में बैठक हुई थी, इस साल बैठक नहीं हुई है, इसलिए बैठक हो रही। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है? अरे भैया, कोई जिम्मेवारी किसको मिलने के लिए बैठक नहीं है। आज भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने संकल्प लिया है कि जेडीयू को फिर से नंबर वन की पार्टी बिहार में बनाना है, तो यह कम जिम्मेवारी है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व DGP के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।